जहां देश भर में मोदी नाम की लहर चली है, उससे जिला संगरूर भी अपने आप को अछूता नहीं रख पाया। जैसे ही भाजपा की मोदी सरकार को फिर से बहुमत मिला तो पंजाब के धुरी शहर में हर्षोल्लास का माहौल बन गया। वहीं लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रहे थे और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता और धुरी शहर के भाजपा उप प्रधान जी बरिजेश्वर गोयल शहर भर में मोदी सरकार दोबारा आने पर लड्डू बांट कर खुशियां मनाते नजर आए। साड़ी भारतीय जनता पार्टी से NDA की सरकार दोबारा बन जा रही है। साढ़े माननीय प्रधानमंत्री दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। इस खुशी के सारे शहर के लड्डू बन रहे हैं तो खुशी का प्रगटावा कर रहे हैं। अगे भी थोड़ी की रणनीति होगी? रणनीति साड़ी पहला भी चल रही है कि देश के कोई गरीब ना रहे। सफाई अभियान पूरा कंटिन्यू चल रहा है, उसके कच्चे मकान वाले पक्के मकान ये जो स्कीम पहला तो चल रही हैं वो अगे भी लगातार चालू रहनियाँ। हज आते उत्थान के लिए हज आती प्रगति के लिए मोदी जी सक्रिया ने और लगे रहेंगे जिते देश वास्ते उत्थे। मतलब सारी विदेश नीति भी यही है भी जोड़ा साड़ा भारत है वो विश्व गुरु बने, इस वाले असी अग्रसर हाँ। यदा श्रेया साढ़े माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने विचारधारा पूरी, मतलब कि असी हज आते नाल हाँ, हर गरीब के नाल जिदा भी कितने कोई किसी को बिपता आँदी है कि दिक्कत आँदी है वो असं अंग संघ नाल खड़े हैं। जिहड़े मोदी साहब की यानी कि BJP की वड्डी इक लीड हुई है वो करके मोदी साहब नूं सिहरा जा रहा, तुसीं खुशी दे विच शहर दे विच लड्डू बन रहे हो, उहदे बारे अपना कुछ दसो जी। कुछ अज बहुत ही खुशियां भरा उत्साह भरा कि जो जनता ने देश की सारी जनता ने मोदी जी को दोबारा फतवा दिता है। बहुत वड्डी लीड नाल इत्थों मोदी जीत के दोबारा प्रधानमंत्री बनन जा रहे ने, उन्हां दी खुशी दे विच अज लड्डू बंदे जा रहे ने। TV1 India न्यूज के लिए सुखविंदर सिंह की रिपोर्ट, संगरूर पंजाब। पंजाब में दिन प्रतिदिन आपसी रंजिश के चलते कत्ल की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी तरह ही दिल दहला देने वाला मामला देखने को मिला है नाभा के ब्लॉक डिंगी के पास। शमशाद खान उम्र 38 साल की आना पहुंचाते व्यक्तियों ने तेज हथियारों से इतने बार वार किए कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। शमशाद खान बॉडी बिल्डर भी था और पीछे अपने बूढ़े माता पिता और अपनी पत्नी और एक बेटे को छोड़कर चला गया। और मौके पर DSP वारिंदरजीत सिंह ने कहा कि अब मामला कत्ल का है और इसी संबंधी में छानबीन हो रही है। नावा ब्लॉक के रहने वाले शमशाद खान का घर पहुंचने से पहले ही डिंगी गांव के समीप तेज धार हथियारों के साथ कत्ल कर दिया गया। वहीं शमशाद खान एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था, यह कत्ल किसने किया पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। वहीं जब तक शमशाद खान नाभा के सिविल अस्पताल में लाए गए तो उस वक्त शमशाद खान सदा के लिए दुनिया को छोड़कर चला गया। इस मौके पर शमशाद खान के पिता ने बताया कि उनके बेटे का फोन आया था कि मैं रास्ते में हूँ, वहीं उसी वक्त उसका कत्ल कर दिया गया। ਅੱਡੇ ਰੋਟੀ ਰੁਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜੀ, ਜਦ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਗੇਟ ਗਰਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਆ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ। फिर उस तो बाद ECG की कन्फर्म करने ली, तो ECG भी कन्फर्म हो गया कि डेड ही है। ਕੱਟ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਵੂਨਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਰਪ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੂਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਹੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ? 10 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। थाना सदर नाभा च ही पिंड पैंदा, तो उहदा जी इत्थों नाभे तो गया उह रात दे वेले आपदे पिंड वल नूं, तां इत्थे नेड़े एक पिंड है ढिंगी, ढिंगी कोल कबरां दे सामणे जा के जिहड़ा हैगा इहदे मोटर इहदी बाइक है जो
स्कूटी उन्होंने किसी गड्डी ने पिछों फेट मारी है। तो जो लोगों के दसन मुताबक उत्थे है कि फेट मारन तो बाद इन कुछ मुंडिया ने ये जो है उत्थे मार कटाई की है जिदी कि इतने हस्पताल दे विच आके डेथ हो चुकी है। कोई तेज धार हथियार जी वरते हुए जापते है जो भी सिर ते इंजरीज है जो बाकी बॉडी ते इंजरीज है। प्राइम एफ एस सी देख के तो लगता जी मर्डर हले तक तो फिलहाल कोई नहीं जी असीं उन्हां दे ब्रदर नूं मिले हैं तो बट असी कॉन्टीन्यूसली लगे हुए हैं असी होपफुली असी ट्रेस कर लाँगे। हाले फिलहाल तो जी किसी ने सानू कोई अप्रोच नहीं की ना ही सानू कोई उत्थे मिले जी। हाले फिलहाल जी इस बारे भी कोई नहीं पता कि किन्ने बंदे है क्योंकि रात का वेला जी तो रात के वेले च किसी बंदे ने सानू हाले तक फिलहाल ये नहीं दस्सिया। ये जस्ट अद्धा घंटा पहला ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਗਲਵੱਟੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨਾ ਕਰਪੂਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸੱਟ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਵੀ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਅਮਰਦੀਪ ਆਹੂਜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ।